वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में बेटा हमने उदाहरण संख्या 9 पढ़ी थी, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा उदाहरण संख्या 10। कह रहा फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। मतलब समझिएगा कि फूलों की क्यारी की एक पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि, यानी और भी हैं। कह रहा उसकी अंतिम पंक्ति में, यानी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। कितने बेटा? 5 गुलाब के पौधे हैं। कह रहा इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। कह रहे फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में, यानी पहली पंक्ति में बेटा, पहली पंक्ति में कितने पौधे हैं बेटा? 23। कितने हैं बेटा? 23 गुलाब के पौधे हैं। और क्या कह रहे बेटा दूसरी पंक्ति में? तो दूसरी पंक्ति में कितने हैं बेटा? 21 हैं। कितने हैं बेटा? 21 गुलाब के पौधे हैं, गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आगे देखिएगा। और कह रहा है तीसरी पंक्ति में, किसमें बेटा? तीसरी पंक्ति में कितने हैं बेटा? 19 गुलाब के पौधे हैं। कितने बेटा? 19 गुलाब के पौधे हैं। कह रहा है उसकी अंतिम पंक्ति, यानी अंतिम पंक्ति बेटा, अंतिम पंक्ति, तो अंतिम पंक्ति में कितने हैं बेटा? तो ध्यान रखिएगा 5 गुलाब के पौधे हैं। कितने गुलाब के पौधे हैं बेटा? 5 गुलाब के पौधे हैं। तो कह रहा है इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, पहली पंक्ति अर्थात ए बराबर कितना है? 23 बेटा। ए टू यानी कामा लगाकर 21, 21 के बाद बेटा 19, डॉट 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 कितना है बेटा? 5, यानी ए एन, ए एन कितना है बेटा? 5। डी निकालते हैं तो 19 में 21 गया तो 2, एक माइनस का 2 बेटा 19, यानी डी निकालते हैं तो इसको माइनस करेंगे, 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 2। और इसी प्रकार 21 में माइनस करेंगे 23, कितना बेटा? 23, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का कितना? 2। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस का कितना? 2। और बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई? तो 23। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 23। समझ में आया ना इतना? अब आगे देखिएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी कुल कितनी पंक्तियां हैं अर्थात हमें दिया गया है अंतिम पंक्ति अर्थात ए एन, तो ए एन बराबर, ठीक है, एन निकालना है हमें, क्या फाइंड करना बेटा? एन, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन। अब बेटा ए एन की वैल्यू कितनी है? तो आ जाएगी बेटा 5। बराबर ए की वैल्यू कितनी है? तो कितनी है बेटा? तो 23 प्लस एन, एन निकालना है हमें, माइनस का, माइनस का कितना बेटा? 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का कितना बेटा? 2। तो कितना आ जाएगा? 5 बराबर 23 प्लस, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 2n, माइनस 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 प्लस, तो कितना आ जाएगा बेटा? 2। ध्यान से समझ में आया ना? ठीक है, ये इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस का 23 बराबर माइनस का 2n प्लस का 2। गौर से समझिएगा, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 23 में 5 गया तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? 18 बराबर। एक काम करिएगा, इससे ये इधर काहे का है? प्लस का, उधर आएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का। ठीक है, पहले इसको नोट कर लेते हैं, ये इधर प्लस का, उधर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 18 माइनस का 2 बराबर माइनस का कितना बेटा? 2n। ठीक है, 18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? यानी प्लस होगा परंतु चिन्ह लगेगा माइनस का, तो 20 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 2n, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 20, और बटे का कितना आ जाएगा? 2, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 10, तो n, n बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 10। अर्थात जो हमारी पंक्तियों की संख्या होगी, तो क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी बेटा? तो क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 10। समझ में आना? कोई दिक्कत? नोट डाउन।